नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली वीकली मंथली व्यू दिखाऊंगा और इसी के साथ कुछ स्टॉक्स का भी व्यू दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो आप लोग जरूर देखिए, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और बीच बीच में मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एंजल बुकिंग आस्था टेड डेलीज ब्लू स्टॉक्स का ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है और मेरी तरफ से भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो पहले देखिए मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। या इधर से आप लोग क्लियरली देख सकता है, ये निफ्टी पहले तो ये अपसाइड में गया था, पहले तो इसका अपसाइड का ट्रेंड था। ठीक है, इधर से अपसाइड का ये ट्रेंड किया था, इसके बाद ये डाउनफॉल हुआ था, इसके बाद फिर से ये अप गया था, लेकिन पहला हाई नहीं ब्रेक कर पाया। उसके बाद फिर से ये लोअर है, लोअर लो बनाते चल रहा है। ये फिर से ये देखिए, ये इसका वेब आया था। ठीक है, ये इम्पल्सिव वेब था, ये फिर से ये नीचे आया था, फिर से ये नीचे ऊपर गया, फिर से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इसका इम्पल्सिव वेब, ठीक है, नीचे डाउन ट्रेंड का ये इम्पल्सिव वेब, इसका बाद ये करेक्टिव वेब, फिर से इसका इम्पल्सिव वेब इतना बड़ा हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्टिव हो रहा है, तो ये मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जाने का कोशिश कर रहा है। इधर से मार्केट का जो सप्लाई जोन दिख रहा है, ये 17,500 से 17,650 तक 660 तक। ठीक है, हाँ, ये अपसाइड का जोन है। और डाउन साइड में इसका जो सपोर्ट जोन है 17,000 से 16,890 तक। ठीक है, अच्छा, और मैंने इसको मैंने वीकली ट्रेंड भी दिखाता हूँ। देखिए वीकली ये ट्रेंड है, ठीक है, ये अपसाइड का ट्रेंड है और ये डाउनसाइड का ट्रेंड है। आप लोग के लिए देख सकता है कि ये अपसाइड जाने के बाद ये इधर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ये पहले इसका इम्पल्सिव वेव था, इसके बाद ये करेक्टिव वेव था, लेकिन इसका पहला स्विंग है ये ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, इससे डाउन ट्रेंड था इस डाउन ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड ज़्यादा है, ये फिर से अपसाइड जा रहा है। ठीक है, और इधर से मंथली ट्रेंड भी आप लोग देख सकता है। मंथली ट्रेंड में भी शॉर्ट टर्म में लास्ट 5-6 महीने में ये नीचे का ट्रेंड दिख रहा है। ये इस महीने में थोड़ा सा ये बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, अच्छा, तो डेली चार्ट में जाके मैंने आप लोगों को कुछ लेवल बता देता हूँ इधर से, तो आप लोगों को सुविधा हो। उसके बाद वहाँ डेली चार्ट में और सॉरी वन वाली चार्ट में और 30 मिनट चार्ट में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस इमीडिएटली इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 17,450 का आसपास। ठीक है, इसके ऊपर 17,817। ठीक है, इसके ऊपर ये बहुत ऊपर है। ठीक है, 18,000 का ऊपर है। ठीक है, और नीचे का जो इसका सपोर्ट है 17,155, इसके बाद 16,863। ठीक है, इसके बाद 16,455। ठीक है, इसके बाद 16,010। ठीक है, अच्छा, तो मैंने वन वाली चार्ट में भी देखता हूँ। अच्छा, इधर से देखिए, इधर से ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा सा अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है। इधर से ये जो एक नासी का कैंडल है ये थोड़ा सा अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा सा नीचे आया था, इसके बाद ये अपसाइड जाने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये सप्लाई जोन को एक बार टेस्ट कर ले सकता है। 17,600 का लेवल एक बार टेस्ट कर 17,800 का लेवल एक बार टेस्ट कर ले सकता है। अच्छा, इसका मैंने वन ऑनली टाइम फ्रेम में जाके आप लोगों को लेवल्स दिखाता हूँ। तो वन ऑनली चार्ट में तो मैंने इसका पहले ड्राइंग को पहले रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इतना सारा ये थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। तो इधर से ड्राइंग रिमूव कर दिया, तो इसके बाद मैंने इधर इसको दिखा रहा हूँ। 30 मिनट में ही जाता हूँ क्योंकि जो लोग इंटरटेक करता है तो वन और 30 मिनट का चार्ट में ठीक रहता है। 30 मिनट 15 मिनट का चार्ट ही ठीक रहता है, उसके बाद उसको 5 मिनट का चार्ट में एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो इधर से देखिए 30 मिनट का चार्ट में ये अभी थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है। थोड़ा सा इसको आने दीजिए, तो
मिनट का चार्ट में देखता हूँ। तो बस आ गया है, तो इसको मैंने मिनिमाइज करता हूँ। हाँ, तो इधर से देखिए, मैंने थोड़ा सा इधर से चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तो इसका अपसाइड का लेवल देखिए, पहले तो इसका ये कैंडल देखिए, थोड़ा सा देखिए अपसाइड में ऊपर गया था 15 मिनट का कैंडल, इधर से अपसाइड गया था, ठीक है, अपसाइड गया था, लेकिन इसका मोमेंटम कम हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मतलब बियरिश कैंडल बना रहा है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट में, ठीक है। तो चैनल का ऊपर तो दिख रहा है। अच्छा, इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 17,344 पे दिख रहा है, ठीक है। इसका ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का जो लेवल है इस लेवल का 17,436, ठीक है, 17,436। अच्छा, मैंने और भी थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम लेता हूँ, क्योंकि इधर से आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखने के, मतलब जो लोग इंटरडे करता है तो उन लोग को कम टाइम फ्रेम में देखने के सुविधा होगा, ठीक है। तो बड़ा टाइम फ्रेम में क्या स्थिति है और क्या लेवल है आप लोग देख लिया है। तो देखिए, इधर से 5 मिनट का चार्ट में ये एक सप्लाई जोन बना है, ठीक है, इधर से एक सप्लाई जोन दिख रहा है, और इधर से ये जो सप्लाई जोन है वो है 17,300 से 17,310 तक, ठीक है। इसके बाद 17,344 इसका अपसाइड का लेवल है, ठीक है। इसके बाद ये 17,438, ठीक है। इसके बाद इसका जो लेवल दिखेगा वो है 17,651, ठीक है, इसका अपसाइड का लेवल। और डाउन साइड का लेवल आप लोग देख सकते हैं 17,232, ठीक है, 17,232, 17,163, ठीक है, 17,108, 17,052, ठीक है, 17,052, 17,108, 16,972, 16,925, 16,871, ये सब डाउन साइड का लेवल जिसका आ सकता है। अच्छा, मैंने इधर से एक्सेल शीट से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इधर क्लोज दिया है, ठीक है, ये अपसाइड का लेवल्स होगा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ये पूरा अपसाइड का लेवल्स है और ये डाउन साइड का लेवल्स है, ठीक है। इसको आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं, इसका आप लोग नोट कर सकता है। अच्छा, तो इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट में पहले मैंने मंथली चार्ट में जाता हूँ, मंथली चार्ट, उसके बाद ही मैंने कम टाइम फ्रेम आऊँगा। मंथली चार्ट की जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और क्या स्थिति है आपको दिखाने का जरूरी है, तो उसके बाद इधर आता हूँ। तो देखिए, मंथली चार्ट में देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये अपसाइड जाने के बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है और डाउन साइड में कैंडल बना रहा है, ठीक है, डाउन साइड में इसका कंसोलिडेशन डाउन साइड में आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। और इधर से इसका वीकली चार्ट में भी देख लेता हूँ, चार्ट का पैटर्न अब कैसे बना है आप लोग को दिखाने का जरूरी है, ठीक है। देखिए, वीकली चार्ट में ये तो ट्रेंड लाइन तो ठीक रहा है, ठीक है, इसका जो जोन बना है अपसाइड में, तो वो है अपसाइड में जोन 34,238 से 37,575, इसका ऊपर 38,584, इसका ऊपर ही फिर से ये अपसाइड इतना दूर तक ये आ सकता है, ठीक है। अभी ये इधर से ये जो साइड में ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है या डी सप्लाई जोन है, कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, तो इधर से देखिए, इधर से अपसाइड ये भी ये लोअर वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में भी ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ये जो इम्पल्सिव वेव है और करेक्टिव वेव इसका कम है, इससे ये इम्पल्सिव वेव इस लो से इस लो ज़्यादा हुआ था, इससे अपसाइड जा रहा है, देखना पड़ेगा इस हाई को ब्रेक करना पता है कि नहीं पता है, 39,197 इस हाई को ब्रेक करेगा तो फिर से ये इस हाई को छूने का कोशिश करेगा 41,829, और उसके बाद ये और भी ऊपर। और निफ्टी का भी ऐसा है, निफ्टी का भी इसका स्विंग हाई जो ब्रेक करना है, इसका जो नेक्स्ट स्विंग हाई था इधर से देखिए, तो
तो अब जाके ये बियरिश पैटर्न ब्रेक हो सकता है। तो इधर से देखिए इसका जो स्विंग आई था 18,350 के ऊपर का जो लेवल है 18,640 के ऊपर फिर से ये अपसाइड ये सीक्वेंस ब्रेक हो सकता है, नहीं तो ये फिर से ये ऐसे ही बियरिश ट्रेंड बना के चलेगा। ठीक है, तो इधर से देखते हैं बैंक निफ्टी का, फिर से देखता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट फिर से देख लेता हूँ कम टाइम फ्रेम में जाके। तो इधर से देखिए, इधर इससे मैंने इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ, डेली चार्ट दिखाता हूँ, डेली चार्ट में इसका क्या लेवल आता है एक बार देख लेता हूँ। डेली चार्ट में क्या लेवल दिखाता है, चार्ट आता है एक्चुअली। तो इससे थोड़ा सा चार्ट में दिक्कत दिख रहा है, कुछ भी कर सकते हैं या नहीं, चार्ट में से थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। आ रहा है चार्ट देख लेता है, तो दूसरा जो है कुछ दिखा है। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है तो देख लेते हैं एक बार। एक 2 आवर का चार्ट है एक्चुअली, ठीक है तो इधर से देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। तो इधर से देखिए, इधर जो लेवल दिख रहा है अपसाइड पे वो है 37,500 का लेवल, इसके ऊपर 37,350 ये सब अपसाइड का लेवल दिख रहा है, और डाउन साइड में इसका 34,285 ठीक है 35,684 ये सब नीचे का लेवल दिख रहा है। तो मैंने इधर से इसका भी दिखाता हूँ, 34,428 में इसका लॉस दिया था, और इधर 34,628 मैंने बैठा था हूँ। तो इधर से ये इसका अपसाइड लेवल आप लोग देख सकते हैं, ये सब अपसाइड का लेवल्स होगा, और इधर से ये डाउन साइड का लेवल्स होगा, ठीक है ये डाउन साइड का लेवल्स ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका बैंक निफ्टी का आप लोग को लेवल दिखा, इसका थोड़ा सा ऑप्शन चेन को मैंने एनालिसिस कर लेता हूँ, ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर लेता हूँ।
इधर से ऑप्शन चेन में जो